रेस्ट ऑफ एशिया को एक बार फिर से देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें एसजी निफ्टी आपके स्क्रीन पर चौदह अंक ऊपर है, हैंगसेंग लगभग आधा परसेंट ऊपर, 1% ने कई ऊपर कारोबार कर रहा है, शंघाई लगभग 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, स्टेट टाइम्स ये फ्लैट बिल्कुल कॉस्ट भी अगर आप देखें 1.5% और ताइवान के इंडेक्स अगर आप देखें हल्की गिरावट लेकर कारोबार कर रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें माहौल ऐसा है कि आप करीब करीब 20-25 अंकों की तेजी लेकर तो खुल ही सकते हैं इन स्टैटिस्टिक्स के साथ। खैर अब मैं एक बार दिखा दूं आपको एग्जैक्टली समरी क्या है, FNO टेक्निकल्स DI FII सारे पैरामीटर्स क्या कहते हैं, जिन पैरामीटर्स के आधार पर या फिर जिन अगर आप देखें बेस के आधार पर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। FIs गुड, बहुत ज़्यादा अगर आप देखें सकारात्मक, DIs गुड अच्छे हैं, और साथ ही साथ आप देखिए ये आपका अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी अच्छा खासा है, और साथ ही साथ सेंटीमेंट जो है चार पैमानों पर अगर आप देखें तो ये बाजार इस वक्त अच्छा लग रहा है। ये आपके स्क्रीन पर आप देखें इंटरनेशनल FNO टेक्निकल सब अगर आप देखें सेंटीमेंट काफ़ी अच्छे खासे हैं आपके। खैर अब बात करते हैं स्टॉक्स की, इंडिविजुअल स्टॉक्स की, जहां पर हम अब खबरें हैं और खबरों का असर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहली चीज़ तो लूँगा मैं आज केन और वेदांता, और हालांकि कल हमने अंतिम बाजी में थोड़ा सा डिस्कस कर भी लिया था कि LIC ने अगर आप देखें अब सैद्धांतिक अप्रूवल दे ही दिया है तो यानी डील अब आगे बढ़ जाएगी। राकेश अब केन को आप कैसे देखेंगे? नहीं लेकिन अब जो खबर आई है वीरेंद्र वो ये है कि LIC ने खुद कह दिया कि ये जो डील है इस पे उन्होंने कोई भी मंजूरी नहीं दी है, ये क्लैरिटी उन्होंने की है। और मीडिया में कल ऐसी खबरें थी कि डील की मंजूरी मिल गई उसके चलते 8% के आसपास की केन इंडिया में थी और वेदांता में, लेकिन आज खबर ये जो अंतिम बाजी में हम डिस्कस कर रहे थे जिस वक्त खबर आई थी जबकि डील को हमने मंजूरी दे दी है, लेकिन ये स्पष्टीकरण बाद में है इसके बाद में। तो आई मीन आप देखिए कल इसका इम्पैक्ट था, अब ये जो कल इधर एक बार इंटरनेट दिखाइए प्लीज जरा इसके केन इंडिया के कल इम्पैक्ट नजर आया था लेटर हाफ में इसका, और करीब 8% बढ़ के करीब करीब 12 रुपये की तेजी के साथ ये बंद हुआ था। ये देखिए अगर आप देखें ये जब अंतिम बाजी में हम डिस्कस कर रहे थे तो ये मैं स्पष्टीकरण पे आ रहा था रजत, आप राकेश इसे कैसे ट्रीट करेंगे? आई मीन 162 पर, आई मीन जो खबरें थी खबरों का खंडन आया उसके बीच में, अब आपकी अप्रोच क्या होगी केन इंडिया पे? इसीलिए मैंने इस खबर को सबसे पहले स्ट्राइक किया। देखिए वीरेंद्र मेरा ऐसा मानना है जो खबरों का खंडन आया है उस खंडन के कारण अगर इस स्टॉक में कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये स्टॉक 155-154 के अराउंड मिलता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। टेक्निकली स्टॉक ने काफ़ी समय बाद एक हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान दिखाया है, एक बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, स्टॉक्स बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 175-176 के लेवल्स मुमकिन है, गिरावट अगर होती है तो खरीदना चाहिए स्टॉक। ओके अगर आप देखें आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति लेकर चलेंगे, एक खबर आई खबर का अगर आप देखें इंपैक्ट हमने क्लोजिंग में देखा उसके बाद खबर का खंडन आ गया। लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा यहां पर स्टॉक्स टू वॉच के इस क्रम को थोड़ा सा पॉज देके कल की एक और बड़ी स्टोरी पे बात करना चाहूंगा और वो थे CPI के आंकड़े और साथ साथ IIP के आंकड़े। IIP के आंकड़ों ने अगर आप देखें कल बाजार को चौंकाया। हमारे साथ इन्हीं आंकड़ों पर बात करने के लिए एक खास मेहमान जुड़ी हैं, राधिका राव जी हमारे साथ है इस वक्त बात करने के लिए। राधिका जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैम एग्जैक्टली IIP के आंकड़ों पर थोड़ा सा पहले बात करना चाहूंगा, ये नंबर्स थोड़ा सा सरप्राइज पैकेज लगे आपको या फिर एक चीज़ में कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेगमेंट सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सेगमेंट ये था, कैपिटल गुड्स जिसमें अभी भी कॉन्ट्रेक्शन है वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं आ रही है, तो इन आंकड़ों को आप किस प्रोस्पेक्टिव से देखती हैं मैम? जैसे मैं राइटली कहा IIP के वैसे हेडलाइन नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे, इनफैक्ट हम पॉजिटिव में एक्सपेक्ट कर ही रहे थे नंबर, लेकिन जो 1.2% आया वो अफ्राइज सरप्राइज था। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि 1.2% जो मई में निकला है अप्रैल में रिवाइज हुआ था -1.3%, तो अगर आप दोनों को एवरेज करें तो एक्चुअली काफ़ी फ्लैट है नंबर, तो इतने परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूवमेंट करते हुए नहीं दिखी है। बट एक बहुत सारे हेडविंड्स हैं, एक तो है कि ग्लोबली डिमांड कम है, डोमेस्टिक डिमांड भी ज्यादा हो रहा है लेकिन अभी तक अर्बन डिमांड ज्यादा है, रूरल ज्यादा नहीं है, एंड एक्सपोर्ट्स तो भी अभी भी गिर रहे हैं, तो इसके लिए आई थिंक टू अर्ली टू कॉल की रिकवरी ऑन द वे है एंड देन यहाँ से हम वन लाइन अप जाएंगे। लेकिन एक पॉजिटिव नंबर देखने के लिए कि हम कंजम्पशन अभी वापस आने वाला है, इनफैक्ट FY 16-17 में हमें लगता है कि मॉनसून और पे कमीशन की वजह से कंजम्पशन ज्यादा होगा एंड उसकी वजह से आई थिंक डोमेस्टिक इम्पेटस होगा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए। लेकिन जो मई का नंबर है सिर्फ उसके लिए कि हम स्टिल कॉशियस रहेंगे क्योंकि इट ऑलमोस्ट ऑफसेट किया, जितना अप्रैल में गिरा उतना मई में ऊपर गया, तो मैम ये मैन्युफैक्चरिंग में 0.7% की ग्रोथ, इलेक्ट्रिसिटी में स्लो डाउन देखने को मिला साफ तौर पे, इस बार के जो आंकड़ा है 4.7% के आसपास के, तो मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी में स्लो डाउन का कारण बताएं, और अभी तो वैसे भी ग्लोबल फियर्स के चलते इतनी ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं देखने को मिल रही, गोइंग फॉरवर्ड ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी IIP आंकड़ों की, क्या यही फ्लैटिश ग्रोथ देखने को मिल सकती है या फिर कुछ रिवाइवल के संकेत हैं इकॉनमी में?
I think जो भी अप्रैल में जो एफ आई 16-17 की शुरुआत हुई है वो काफी फ्लैट है. हमें लगता है कि पूरे साल में एट बेस्ट अबाउट 2-3% ग्रोथ हो सकता है, ऑलमोस्ट लाइक लास्ट ईयर जितना हुआ था उतना. तो इस बार ये है कि जैसे मैंने अभी कहा यू नो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आए हैं. जो पब्लिक कैपेक्स लास्ट ईयर हुआ था वो इस बार और कॉशियस है क्योंकि यू नो फिजिकल टारगेट्स हैं, पे कमीशन का फंड भी यू नो इंक्लूड दैट. लेकिन आपके पहले क्वेश्चन पे जो आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अभी तक काफी डबल डिजिट में ग्रो करता है. तो हमें वन ऑफ 5% पे आई डोंट थिंक ज्यादा वरी करने की जरूरत है. क्योंकि आप ये भी देखें इट कुड बी रेन रिलेटेड, यू नो अर्ली रेन्स नहीं आए, अनयूजुअली हॉट समर, सर्टन एनर्जी सोर्सेज काम नहीं किए, स्पेशली थर्मल एंड स्टफ. तो ये एक रीजन, वन ऑफ रीजन हो सकता है. और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग वीक रहा ही है, बारिश एक दो या बेस मेटल्स ऐसे ब्राइट स्पार्क्स हैं, लेकिन मोर ऑर लेस फॉर द पास्ट एट लीस्ट स्टार्टिंग ऑफ 2016 से काफी डल लेवल रहे हैं. तो हमें नहीं लगता पूरे साल में, हमें लगता है कि 2-3% एट बेस्ट एवरेज बेस हो सकता है. मैम ये एग्जैक्टली सीपीआई के जो आंकड़े हैं ये आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट अब आप 5.6% की ट्रैजेक्टरी में है, ये आपको लगता है कि ये टॉपिंग आउट होने के संकेत दे रहा है, अगस्त के बाद ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ट्रिम होगा? एग्जैक्टली सीपीआई के आंकड़ों पर आपका मैंडेट क्या है मैम? एक्चुअली हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून में ही शायद थोड़ा टेपर हो, लेकिन फूड इन्फ्लेशन एंटायर क्वार्टर में, अप्रैल जून तो क्वार्टर में आप देखें तो फूड इन्फ्लेशन काफी है, जिसकी वजह से हेडलाइन ऊपर गया है, एवरेज अबाउट 5.7%. हमें लगता है कि अभी मॉनसून भी आ चुके हैं जुलाई में, तो यू नो डेफिसिट नैरो हो चुका है IMD की डेटा को रखकर. तो अगस्त के बाद टेपर होना चाहिए. इनफैक्ट फाइनल क्वार्टर ऑफ दिस ईयर दैट इज दिसंबर क्वार्टर जो है, हमें ऐसा कि क्लोज टू अबाउट 5.5-5% होगा. तभी तक नए आरबीआई गवर्नर भी होंगे, हमें पता चलेगा उनका टर्विश इंक्लिनेशन है कि न्यूट्रल है. तो हमें अभी भी एक 25 बेसिस पॉइंट का एस्टिमेट है ईयर के लिए. तो इन्फ्लेशन यहाँ से आई थिंक टॉपर होना चाहिए, स्पेशली बिकॉज जून में डेफिसिट था, लेकिन मॉनसून ने कैचअप किया है जुलाई में. तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. पल्सेस तो नीचे आने लगे हैं, लेकिन आई थिंक जो वेजिटेबल्स है वो ही एक मेन फैक्टर रहा है पिछले 3 महीनों में. तो भी जैसे बारिश आएगी हमें लगता है कि वो भी यू नो रिजर्वॉयर लेवल्स बेटर होंगे और उसकी वजह से इन्फ्लेशन. चलिए राधिका जी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम श्रावणी के लिए और सीपीआई और आईपी के आंकड़े बात करने के लिए. तो रजत आपने सुना राधिका जी को भी, उन्होंने कहा देखिए ये आईपी के आंकड़े तो हैं जो है आपके स्क्रीन पर हैं और सीपीआई के आंकड़ों से बहुत डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि अच्छी बरसात हो रही है और शायद अगस्त या फिर तो क्वार्टर के टर्म्स में दिसंबर क्वार्टर उन्होंने कहा, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 5.5 की ट्रैजेक्टरी में आएगी. तो वो बहुत अनकंफर्टेबल नजर नहीं आई सीपीआई के आंकड़ों के साथ रजत. चलिए लेकिन फिर से स्टॉक्स टू वॉच का ही रुख करते हैं और कुछ खबरें जो इसमें मार्केट्स पे आज असर डाल सकते हैं स्टॉक प्राइसेस पे, उसमें कैडिला के संदर्भ में. देखिए फार्मा स्टॉक्स वैसे ही काफी एक्टिव है, लेकिन इसके ऊपर खबर यह है कि अमेरिका में ऐसे कॉल की जो जेनरिक दवा है उसको बेचेंगे, सब्सिडी के जरिए दवा बेची जाएगी. और ये स्टॉक बहुत एक्टिव है, जब से गुजरात को एक यूनिट को EIR मिला है उसके बाद से स्टॉक पे एप्रिसिएशन काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला. राकेश आपका कमेंट्स कैडिला पे या फिर कोई फार्मा स्टॉक जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो? देखिए रजत, कैडिला में ऑलरेडी एक बड़ा ब्रेकआउट बड़े चार्ट्स पर 350 के बाद हमने देखने को मिला और उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली ली है. जिसके पास पोजीशन है होल्ड करना चाहिए, कोई करेक्शन आती है तो स्टॉक को बाय करना चाहिए, टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है. और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स, टाटा मोटर्स, अशोक कवार को कंपनी की बोर्ड बैठक है, एनसीडीज के जरिए लगभग 400 करोड़ जुटाने की योजना है. आपके स्क्रीन पर आप देखें स्टॉक्स वॉच में शामिल है 484 पे टाटा मोटर्स. और प्लीज एक बार दोनों के चार्ट दिखाइए, टाटा मोटर्स DVR अंडरलाइन के और DVR के दोनों के चार्ट सीखते हैं. राकेश सीरीज के मिड में आप इन दोनों स्टॉक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? मीन इस दौर के सबसे बेहतरीन स्टॉक्स हैं आपके स्क्रीन पर कल के अगर इन पर चार्ट हैं. एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद थोड़ा सा ट्रिम हुआ एक ऐसे बाजार में जो कि बहुत तेज था, मोमेंटम में था. अभी इन दोनों स्टॉक्स को सेकेंड हाफ ऑफ दिस सीरीज में आप कैसे प्ले करेंगे राकेश? देखिए वीरेंद्र, टाटा मोटर्स मेरे को एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स DVR, टाटा मोटर का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा लगता है. स्टॉक ने 440 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया और मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा. 525-530 के स्तर देखने को मिल सकते हैं. इन स्तरों पर गिरावट में स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए. एक और खबर है रुचि सोया पे की लेंडर्स ने कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप याचिका दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दी गई है वाइंडिंग अप
के खिलाफ याचिका दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक प्राइस पे आज डेफिनेटली इंपैक्ट डालती हुई नजर आएगी। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो हैं वो बहुत एक्टिव है मार्केट पर। LIC हाउसिंग, इसके संदर्भ में खबर यह है कि NCDs बॉन्ड के जरिए 200 करोड़ जुटाने की योजना है, आज से बॉन्ड की बिडिंग शुरू होगी। राकेश, इनफैक्ट ये जो स्टॉक्स हैं LIC हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव हुए, अभी भी क्या आपको लगता है यहाँ से प्राइस एस्केलेशन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल रजत, यहाँ से फर्दर प्राइस एस्केलेशन देखने को मिल सकता है। अगर आप LIC हाउसिंग की बात करें तो एक नए हाइस पे स्टॉक खड़ा हुआ है, मौजूदा स्तरों पे स्टॉक को बाय किया जा सकता है। HDFC भी काफ़ी अच्छा लगता है, ग्रुप फाइनेंस, जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, सब बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और फर्दर जो अपमूव है मौजूदा स्तरों से रोल आउट नहीं किया जा सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस के बाद देखिए और कुछ खबरें। जी ई शिपिंग पे खबर है, इसमें मीडियम रेंज प्रोडक्ट टैंकर खरीदने के लिए उन्होंने करार किया है। तो यहाँ पे मिड रेंज की जो टैंकर्स होते हैं उनको खरीदेगी कंपनी, उसके लिए करार किया है उन्होंने। सूर्य रोशनी केयर ने रेटिंग बढ़ाई है इनकी, और जो बैंक फैसिलिटीज की रेटिंग जो है वो A- बढ़ाकर अब इन्होंने A की है। तो ये एक सकारात्मक खबर है सूर्य रोशनी के लिए। कल हालांकि अगर आप देखें 3.25 रुपये गिर के स्टॉक बंद हुआ था। एलिकॉन इंजीनियरिंग पे खबर है, प्रमोटर्स ने गिरवे रखे शेयर जो है छुड़ाए हैं, और 22 लाख गिरवे शेयर जो थे, जो प्लेज थे, उनको प्रमोटर्स ने छुड़ा लिया। तो एक अच्छी खबर है। प्लीज़ सर, एलिकॉन के अगर एक बार एक साल की प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं, किस दौर से ये स्टॉक गुजरा, और अब जब प्रमोटर्स ने लगभग गिरवी रखे 22 लाख शेयर छुड़ा लिए हैं, तो इसके ऊपर से जो वो प्रेशर जोन था वो निकलेगा तो ये स्टॉक कहाँ जाएगा? देखिए आपकी स्क्रीन पर, आप देखें ये ईयरली चार्ट से ऑलमोस्ट 95 के हाइज हुआ करते थे नवंबर में, फिर मार्च तक ये रिट्रेस हुआ 42, फिर वहाँ से पुलबैक। राकेश, चार्टिंग के लिए तो ठीक लग रहा है, लाल निशान के बीच में। आई थिंक जो चीज़ मेरे को प्रभावित कर रही है वो ये कर रही है कि मार्च से लेकर जून जुलाई के बीच में स्टेबल रहा है 60 के प्राइस के आसपास, 62, ये 64-65 के ऊपर निकलने के चांसेस हैं यहाँ पर एलिकॉन इंजीनियरिंग के? बिल्कुल वीरेंद्र, 64-65 के ऊपर निकलने के चांसेस हैं, और इन स्तरों के ऊपर अगर निकलता है तो एक बड़े चार्ट्स पर बड़ा ब्रेकआउट होगा, तब एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और वीरेंद्र, अगर इसी तरीके के छोटे स्टॉक्स की बात करनी है तो आप नेक्स्ट मीडिया वर्क्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें, जहां मुझे लगता है कि स्टॉक्स 19-20 रुपए के नीचे नहीं जाएगा और यहां से डबल होने का दमखम रखता है। ऐसे ही छोटे प्राइस में आप अक्ष ऑप्टी फाइबर को देखते हैं तो टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, और काफी समय से इंडस्ट्री जो थी ऑप्टिकल फाइबर्स की वो दबी हुई थी। टेक्निकली मुझे लगता है अक्ष ऑप्टी फाइबर एक टर्न अराउंड स्टोरी है, और 40 रुपए के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक के अंदर भी निवेश किया जा सकता है। ओके, अक्ष ऑप्टी फाइबर की भी आपने बात कर ली। यहाँ पे हमारे साथ अब एक मेहमान और जुड़े हैं, मिस्टर संजीव भसीन जुड़े हैं बात करने के लिए। भसीन साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अच्छा लग रहा है बाजार, FIs का पार्टिसिपेशन अच्छा, कैश बाजार को चेज कर रहा है। कल CPI IP आंकड़े आए, शायद थोड़ा सा IP से बाजार खुश था, लेकिन CPI के आंकड़ों से थोड़ा सा परेशान नजर आया। सर, आपके अप्रोच क्या है, आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को क्या रिकमेंड किया है, कैसे बाजार को आप लोग खेल रहे हैं इस वक्त? हाँ, गुड मॉर्निंग वरिंदर, आपको ध्यान होएगा हमने आपको कहा था कि 84-85 तक निफ्टी जरूर जाएगा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई। हाउएवर अब हमें लगता है कि ओवरबॉट रीडिंग्स हैं और ऑप्टिमिज्म बहुत हाई हो गई है और एक यूफोरिक बाइंग आ रही है, और यू नो उसमें दिख रहा है आपको कैट्स एंड डॉग्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। तो यहाँ पे हमें बहुत कॉशन एडवाइस किया, हम अपने क्लाइंटों को जो 3 महीने में सबसे ज़्यादा निवेश कराया था मेटल्स और PSU बैंक्स में, वहाँ पे बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग की एग्रेसिवली हम आप उनको ये इनायत दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम जो पेपर प्रॉफिट था उसको एक्चुअल में बदलिए और प्रॉफिट में बैठिए, बिकॉज हमें लगता है सेकेंड हाफ में एक करेक्शन ज़रूर आएगा जहाँ पे हमें 8200 और नीचे तक के लेवल आ सकते हैं। तो द निफ्टी इज नाउ ट्रेडिंग इन ट्रेचरस वाटर्स, हमें लगता है यहाँ से एक 50-100 पॉइंट की और तेजी आ सकती है, बट अबव 8500 वी आर एडवाइजिंग एवरीवन टू बुक प्रॉफिट्स एग्रेसिवली। राइट, आपने बोला PSU बैंकिंग में और साथ ही साथ मेटल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन जो पकड़ मजबूत हो रही है वो ऑटो स्टॉक्स कहीं ना कहीं रेडार पर। सर, क्या कुछ बाइंग ऑटो पे अभी और देखने को मिल सकती है? हाँ देखिए, डेफिनेटली सेक्टर वाइज स्टॉक वाइज आपको देखा है अब FII की पार्टिसिपेशन इन लार्ज कैप्स है, और वहाँ पे आपको ध्यान होएगा टाटा मोटर हमारा टॉप पिक था, और 425-430 पे जब ये ब्रेक्सिट की फॉल आई तभी हमने खड़े होके कहा था कि ले टाटा मोटर लीजिए, इट्स द बेस्ट प्ले ग्लोबली, और उसने अपना सारा पैन ही स्पैंड हिमसेल्फ ऑल अक्रॉस द 5 कॉन्टिनेंट्स। तो टाटा मोटर का एक साल का लक्ष्य 540 है, लेकिन अभी उस पर बाइंग सजेस्ट करना 485 में थोड़ा जोखिम भरा होएगा। एनी डिक्लाइन वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। टाटा मोटर एंड अशोक लीलैंड कंटिन्यू टू बी आर टॉप पिक्स ओवर देयर, एंड हीरो मोटोकॉर्प ऑन द टू व्हीलर साइड।
सर, ये जो क्रूड प्ले हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, कल के सत्र में 4.5% का एक बाउंस मिला, अब ये रिफाइनिंग कंपनियां, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, इनको कैसे प्ले कर रहे हैं और नतीजों से पहले इस सेक्टर को कैसे प्ले कर रहे हैं? हाँ, गुड पॉइंट. आई थिंक क्रूड इज ऑल्सो प्लेइंग अ रिस्क ऑन ट्रेड. अब आपको दिखिए, बॉन्ड यील्ड्स हैव स्टार्टेड टू हार्डन देयर, और ये पहली बार ही हुआ है 2008 के बाद के बॉन्ड यील्ड्स और इक्विटी मार्केट्स ऑल टाइम एक लो पे जज कर रहा है, एक हाई पे, विच इज शोइंग यू ग्रीड एंड फियर. क्रूड के पुल बैक का वी आर वेरी बुलिश ऑन दी अपस्ट्रीम कंपनीज, पर्टिकुलरली ओएनजीसी और रिलायंस. ONGC 225-27 में मिले तो लीजिए, 250 रुपये, 265 रुपये का आपको लक्ष्य मिल सकता है. और रिलायंस 1000 रुपये का भाव इसने अभी 2-3 महीने में पहली बार ही तोड़ा है. हमें लगता है 1025-1030 ये फ्राइडे के रिजल्ट से पहले मिलना चाहिए. और स्लाइटली लॉन्गर टर्म अगर क्रूड इस भाव पे रहेगा तो आई थिंक रिफाइनिंग मार्जिन विल ओनली शो एन अपटिक. तो रिलायंस वुड बी द प्रेफर्ड पिक इन द एनर्जी बास्केट अलॉन्ग विद ONGC. वाकई अगर आप देखें, कल हमने रिलायंस पे शायद बहुत ज्यादा बात नहीं करी, कल इसने 1000 के ऊपर एक क्लोजिंग दी. राकेश, आप कैसे अप्रोच करेंगे 1000 के ऊपर की इस क्लोजिंग को, यहां से कितना मूव आप देख रहे हैं? देखिए वरिंदर, रिलायंस का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है. कल के सत्र में हमने 993 के ऊपर एक ब्रेकआउट आते हुए देखा है. कोई इस ब्रेकआउट को प्ले करना चाहता है तो 979 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को बाय किया जा सकता है, ऊपर में 1020-1025 के लक्ष्य के लिए. चलिए, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन आज के ट्रेड में कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा जहां पर टेक्निकल और साथ साथ फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत स्ट्रांग है और जो अपनी स्पेस में काफी स्ट्रांग पकड़ मजबूत कर सकता है? आज का टुडे ट्रेड देखते हैं. रविंद्र, बताएं क्या ट्रेड रहेगा आज रेडार? जी हाँ, देखिए आज एक हम अच्छा स्टॉक पुल बैक मोड में जो कि आ सकता है उसको प्ले करेंगे. टीवीएस मोटर्स, प्लीज एक बार इसके 3-1 चार्ज पाइएगा. टीवीएस मोटर्स आज हमारा टुडे ट्रेड है. थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा लेकिन ट्रेड करिएगा लॉन्ग साइड पे. क्यों? जरा एक बार प्लीज 3-1 चार्ज पाइए. देखिए, अप्रैल से ये स्टॉक 340 का हाई लगाने के बाद डिप लिया, ऑलमोस्ट 280. ये जो डिप था ना अप्रैल का, याद रखिए क्या था, ये था इसका 200 डेमा से पुल बैक लिया, फिर ऑलमोस्ट 300 गया, फिर नीचे आया. लेकिन इस पूरे मई, जून, जुलाई में इसने 200 डेमा कभी वॉलेट नहीं किया, पहली बात. तो मेरे पास, मेरा एक सिक्योर जोन है 200 डेमा. लेकिन कल इसने, जब ये परसों, ये एक बार फिर से चार्ट पे आइएगा प्लीज, पिछले 5 दिन से ये टूट रहा था स्टॉक, 1, 2, 3, 4 दिन, 5 दिन टूटा, लेकिन इस बार 200 डेमा को भी अप्रोच नहीं किया. इसने अंतरजत क्या अप्रोच किया इस बार? इसने इस बार 100 डेमा से ही और 50 डेमा से ही पुल बैक ले लिया. तो इसका ये जो पुल बैक लेने का तरीका था ना, उससे बाजार थोड़ा सा अचंभित नजर आया, थोड़ा सा सरप्राइज था, क्योंकि इसमें बेयर ग्रिप बन रही थी. रजत, बताऊं क्यों मैं? कल इसके फ्यूचर्स में 1,00,000 शेयर घटे, दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग इसको ऊपर ले जा रही थी. आप जाइए जरा इसके ऑप्शंस को देखिए, इसकी 300 की कॉल, 310 की कॉल, 320 की कॉल, 330 की कॉल, इन चार स्ट्राइक्स में 16, 24, 34, 84 और 24 लगभग 1,10,000 शेयर घटे. यानी कॉल राइटर और फ्यूचर में बेच कर जो बैठा था आदमी, वो अनकंफर्टेबल नजर आया, वो बाहर निकल रहा था. उसको लग रहा था कि बॉस यहाँ पे एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी है. फंडामेंटल नोट पे जो भी खबरें हैं आप पढ़ लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर हैं. मैंने आज इसको पिक किया है प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड पे, सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे, और उसको जोड़ दिया यहाँ पर मैंने रखे FNW के स्टैटिस्टिक्स से. मेरे को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई तो मैंने उसे ग्रैब करने का सोचा है. एक पुल बैक ट्रेड खेलूंगा लगभग 315-316 की ट्रेजेक्टरी के लिए, स्टॉप लॉस 300 रुपए का रखकर. रजत, और वैसे भी भसीन साहब की टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड पे यहाँ पर कॉल्स हैं, वो मानते हैं कि इन स्टॉक्स पे ऑलरेडी तेजी बन चुकी है लेकिन ये आने वाले समय के लिए कैरी हो सकते हैं. लेकिन भसीन साहब, ये जो टू व्हीलर ऑटो पैक है, हीरो मोटो को, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स, मॉनसून के फिगर्स बेहतर रहते हैं, इनफैक्ट अब एंटीसिपेशन भी है कि मॉनसून आने वाले समय के लिए और पिकअप होगा, तो ऐसे में क्या टू व्हीलर स्टॉक्स ड्राइव हो सकते हैं? नहीं, देखिए आपको इनके मंथली नंबर देखे तो आई थिंक दे हैव पीक्ड. बेस इफेक्ट इतना लार्ज था तो दे मे हैव बीन ऑन द वॉल्यूम साइड पीकिंग हो चुकी है. हाउएवर, हमें लगता है जैसे जैसे 7th पे कमीशन और ओरॉप का पैसा आएगा अगस्त सितंबर में, तो दे कैन बी अ रिन्यूड बाउट. बट ये शेयर, इसमें हीरो मोटोकॉर्प इज एन आउट परफॉर्मर बिकॉज इट्स इन टैंडम विद द इंडेक्स. वैसे इनमें कोई ग्रोथ या प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे या अर्निंग्स पे इतनी अपग्रेड आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि द बेस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज ऑल्सो प्राइस्ड इन. ऑन द अदर हैंड, आपको एक सजेस्ट किया आप ही के चैनल पे, एक OEM सुपरजीत इंजीनियरिंग, इट हैज ऑलमोस्ट 65% शेयर इन द केबल मार्केट ऑन बोथ टू व्हीलर्स.
और हमने वो आपके यहाँ 140 पे बड़े स्ट्रांगली एडवोकेट किया था, अभी वो 190 का भाव है। उसने जिस तरह से मार्जिन एक्सपेंशन और कॉस्ट रिडक्शन दिखाया है और वो आगे के लिए भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, हमें लगता है ये 180 और 90 के बीच में आप लें तो 250 रुपए का टारगेट बाय द एंड ऑफ द ईयर वुड बी व्हाट आर कॉल वुड बी। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग एज द ओईएम वुड बी वन ऑफ आर टॉप पिक्स ऑन द टू व्हीलर साइड। मेरे को याद है वरिंदर, कल इसी शो में बैठा था मैं और एक ऑप्शन रणनीति देनी थी, एबी मनी की कॉल आई कि मारुति सुजुकी की आप कॉल खरीद लीजिए, मारुति सुजुकी बहुत एक्टिव होगा आज के कल के सत्र में, और हुआ भी, बहुत स्ट्रांगली कल एक्यूमुलेशन थी, मारुति सुजुकी कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर गया मार्केट। देखिए मंडे की मॉर्निंग से मैं आपको बोल रहा हूँ रजत, प्लीज़ इस चार्ट को देखिए, ये कैसा चार्ट है जो कि रो रो के बोल रहा है कि बॉस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पे ध्यान दीजिए। मंडे की मॉर्निंग से मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्टली अगर आप देखें मंडे मॉर्निंग में क्या बोला था मैंने, ये था 4161 पे, मैंने कहा ये 39 रुपए इसके लिए कुछ नहीं है, 42 पार करेगा उसके बाद एक स्ट्रांग मूव आएगा। अब आप देखिए 4161 से 4370 हो गया और यहाँ पे जितने भी नेगेटिव फोर्सेस थे ना जो ये प्रूव करने में लगी हुई थी कि बॉस ये स्टॉक नहीं चलेगा, उसको इसने रॉन्ग प्रूव कर दिया। वो जो हमने कल ऑप्शन रिकमेंड किया था वो 85 पे रिकमेंड किया था, टारगेट क्या था 120 का, कल 140 हिट करके आ गया। और इस चार्ट को ये सोचना कि अब ये यहाँ से घूम जाएगा बहुत मुश्किल है कहना रजत, क्योंकि इसको जो ब्रेकआउट मिला है ना इसके ऊपर कोई सप्लाई जोन बहुत दूर दूर तक नहीं है, 4600-4620 तक। राकेश आपको क्या लगता है, मान लीजिए आपका ट्रेड ग्रिप में, फ्रेंकली स्पीकिंग मान लीजिए आपने ही उस ऑप्शन पे ट्रेड किया था, आपका ट्रेड ग्रिप में है, 40 रुपए आपको मिल रहे हैं अभी, आप इस ट्रेड को अनवाइंड कर लेंगे यहाँ पे काट करके बाहर निकल जाएंगे, फिर आपको लगता है कि नो इसमें अभी पैसा और बनना बाकी है, ट्रेलिंग के साथ चलाइए। नहीं वीरेंद्र, जैसे आप बता रहे हैं हमने भी मंडे मॉर्निंग को ही ये स्टॉक 42-30, 42-35 के अराउंड अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, बट हमने अपने क्लाइंट्स को कल 43-70, 43-80 की जोन में मुनाफा वसूली की सलाह दी है और हम प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठे हैं। राकेश फिर आप मेरा प्रश्न नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ ऑप्शन, जो आदमी ऑप्शन के जरिए आया था यहाँ पे, फ्यूचर्स पे थोड़ा डर लगता है, लेकिन क्या ऑप्शन को अभी छोड़ दें, एक्सपायर होने दें उसको, आप इस पर राय क्या देंगे? वीरेंद्र मैं राय दूंगा मुनाफे को बांध लेना चाहिए। ओके राइट, इनफैक्ट भसीन साहब एक स्टॉक जो आपने रिकमेंड किया हमारे चैनल पे उसको मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ सर, वो है NBCC, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे काफी स्ट्रॉन्ग खरीदारी है। NBCC जिस रफ्तार से चला, इनफैक्ट NBCC नहीं, SPML इंफ्रा, PB इंफ्रा, ARSS, इन सभी स्टॉक्स में खरीदारी। एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे इतनी स्ट्रॉन्ग चीजिंग क्यों हो रही है, खरीदारी का इसमें क्या अभी भी मौका है, क्या यहाँ से और प्राइस एस्केलेशन देखने को मिल सकता है सर? रजत NBCC मैं 2 साल से बना के इसमें इसको मैंने ट्रैक किया है, 225 रुपये 10 रुपये पेड़ा था और उस समय मेरे को ये खबर थी कि 2 साल में ये जो आज उनको ये प्लान मिला है दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड, ये 5 बैगर है और यहाँ से भी मैं दावे से कह सकता हूँ यहाँ से भी डबल हो जाएगा 2 साल में। आपके यहाँ 160 रुपये पर रिकमेंड किया था, अभी 260 का भाव है और आप ये लेके चलिए कि अभी तक उस पर ईस्ट किदवाई नगर में ही इज डूइंग कंस्ट्रक्शन देयर, जो एक 900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आएगा, अब उसको वहां से 50 गुना और क्या ऑर्डर फ्लो मिल गया जो पूरा सरोजनी नगर और विनय मार्ग को लेके चलता है। आप ये देख के लीजिए कि कितना एरिया अंडर हिज उसके यहाँ जो ऑर्डर फ्लो है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा करोड़ का है। सो आई थिंक यहाँ से ये मल्टी बैगर है और वही अर्निंग्स आप उसमें प्राइसिंग कर रहे हैं। तो NBCC एट दीज लेवल ऑल्सो, चाहे वो भाग चुका है काफी, ऑलमोस्ट 1350 का भाव हो चुका है ऑन अ स्प्लिट बेसिस, हमें लगता है यहाँ से डबल होने का है, लेकिन 2 साल आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कहा है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो बॉटलनेक्स थे और जो कैश का कंपोनेंट था बिकॉज ऑफ यू नो लीवरेज वो सब खत्म हो रहा है एंड जेन्युइन वी आर सीइंग रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी टेक प्लेस, वेदर इट इज पावर, इट इज कोल, इट इज यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन हाईवेज, सब जगह ये एक दारोमदार है और हमें लगता है ये 2017 में और स्ट्रेंथ गैदर करेगा। सो जो नाम आपने कहे हैं वो भी अच्छे आउट परफॉर्मर्स हैं, बट मिड कैप में NBCC वुड कंटिन्यू टू बी एन आउट परफॉर्मर। एक दो खबरें और रजत देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। M&M पे खबर ये थी कि शेयरधारकों से लगभग 5,000 रुपये करोड़ जुटाने की उन्होंने मंजूरी मांगी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और महिंद्र एरो को एयरबस से एक ऑर्डर मिला है जिसके तहत हेलीकॉप्टर के जो एयर फ्रेम बनाने के लिए इनको एक ऑर्डर मिला है। M&M 4075 पे, बस इस स्टॉक को ले लेता हूँ फिर उसके बाद बात करूँगा कुछ और स्टॉक्स पे। 1475 पे याद रखिए, M&M अपने लाइफ हाइस पे कारोबार कर रहा है 1475 पर, लेकिन इस चीज़ को अपने जहन में ना अपने दिमाग में मत रखिएगा कि भाई ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है तो यहाँ पे प्रॉफिट कमाने की संभावना नहीं है।
ये जो इसने लास्ट 10 दिन में 20 दिन में 25 दिन में ये जो 50 रुपए का मूव लिया है ना, ये ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट की फीलिंग थी कि हाँ ब्रेकआउट आ चुका है। लेकिन याद रखिए ये उसके कंपैरिजन में, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 50 रुपए का मूव उसके कंपैरिजन में जो इसके डेली चार्ट पर बीते डेढ़ साल में कंसोलिडेशन है, कुछ भी नहीं है। राकेश आप ये देखिए कि अगस्त 2014 से लेकर जून और इनफैक्ट जुलाई के पहले हफ्ते तक का ये कंसोलिडेशन, इतना बड़ा कंसोलिडेशन अमूमन किसी स्टॉक में नहीं देखते हम, और जब वो होता है तो बहुत एक डिसेंट ब्रेकआउट लेके आता है। अब अच्छी खबरों का तांता भी लग रहा हुआ है यहाँ पर। आप कैसे अप्रोच करेंगे एमएलएम को राकेश? ये इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ मैं मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। देखिए वीरेंद्र, अगर लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव है तो डेफिनेटली एक अच्छा बाय है, इन स्तरों पर बाय करना चाहिए। अगर कोई बीच में करेक्शन आती है तो बाय ऑन डिक्लाइन करना चाहिए। फर्दर आराम से एक अच्छा खासा इजाफा 80-100 रुपीज का इसके अंदर देखने को मिल सकता है। राइट, और लेदर सेक्टर भी हो सकता है कि आज के सत्र में लेदर मैन्युफैक्चरिंग, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो ड्राइव होती हुई नजर आए, क्योंकि एक बड़ा राहत पैकेज सरकार की ओर से मिल सकता है, ऐसी खबरें हैं। समय इसकी पुष्टि होने अभी बाकी है, लेकिन हम देख चुके हैं कि जिन भी सेक्टर्स पे राहत पैकेज की खबर निकल के आ रही है वो सेक्टर ड्राइव हो रहे हैं। पहले बारी थी टेक्सटाइल की, टेक्सटाइल में राहत पैकेज मिला, कंपनियां दौड़ गई। कल खबर आई कि मिल सकता है मेडिकल डिवाइस को राहत पैकेज, तो उनके स्टॉक्स 10-10, 15-15% चढ़ते हुए नजर आए, ऑप्टो सर्किट, बीपीएल जैसे स्ट्रक्चर्स। और आज खबर यह है कि फुटवेयर सेक्टर को राहत पैकेज मिल सकता है, एक्साइज ड्यूटी में कुछ छूट मिल सकती है, बाटा जैसे स्टॉक्स आज रडार पर रहेंगे, लिबर्टी जैसे स्टॉक्स आज रडार पर रहेंगे। कल याद है रजत, हम 920 पे हमने पहला स्टॉक जो बात की थी वो था लिबर्टी। भसीन साहब अब देखिए प्राइस बिहेवियर को देखिए, और रजत ने जो खबर बताई ये राहत पैकेज, आप इस स्पेस पे इंटरेस्टेड हैं सर? और आप अगर स्टॉक सिलेक्शन करना हो तो कौन सा करेंगे सिलेक्शन इसमें? देखिए वरिंदर, हम तो बाटा को ही ट्रैक करते हैं। आपने जो लिबर्टी नाम लिया था या रिलैक्सो, वो एक आउट परफॉर्मर है ऑन द मिड कैप साइड, बट हम बाटा को इसलिए ट्रैक करते हैं, एक तो उन्होंने अपने जो बिजनेस मॉडल है उसमें काफ़ी फेरबदल किया है, एंड दे हैव नाउ गॉन ऑन टू द कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। साथ में वो दे आर इन द प्रोसेस ऑफ रीडेवलपिंग अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन कैलकटा, और वो एक एडेड एडवांटेज है। और थर्डली उनकी ब्रांड, एज फार एज फुटवेयर गो, बाटा स्टिल इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया, तो वी वुड बी ओवरवेट ऑन दैट, एंड वी थिंक उसमें प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा आपको मिल सकता है। चलिए यहाँ बाजार के एक्सपर्ट्स तैयारी कर रहे हैं आपके लिए, कुछ स्टॉक्स बता रहे हैं आपको, आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपके लिए जहां पर आपको दमदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी महारत हासिल है कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में, और अगर आपको बाजार पे अच्छे रिटर्न्स मिले तो अपनी आप स्टोरी बाजार के साथ, निवेश के साथ शेयर कीजिए। जी बिजनेस आपको दे रहा है मौका अपनी कहानी दुनिया को बताने का, आपकी निवेश रणनीति जो कभी फेल नहीं हुई हो उसे हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिजनेस इन्वेस्टर लेकर आया एक ऐसी सीरीज जिसमें बताते हैं लोगों की कहानी जो कभी पर्दे पर नहीं आती, लेकिन उनका निवेश जो है वो किसी भी बिग बुल या बड़े निवेशक से कम नहीं है। हम बताएंगे दुनिया को आपकी कहानी, वो भी आपकी जुबानी। आपको करना सिर्फ ये है कि अपने एक मिनट की सेल्फी हमें शूट कर कर भेजनी है 8588899222, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपनी एक मिनट की सेल्फी शूट करके भेज दीजिए।